मॉडल सबसे अच्छा वेट और सबसे अच्छा वेट तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस जो स्टोरी इसी थी फाइव की बात कर रही है तो फर्स्ट वाला फाइव जो है वो जब वो एक गलती कोच में निकले थे तो वो रास्ते में आगे जाते हैं तो फर्स्ट वाला जो बैग था सबसे बड़ा बैग वो आम के पेड़ के नीचे रह जाता है। सेकंड वाला बैग जो था वो केल के पीछे पेड़ के नीचे रह जाता है। अभी थर्ड वाला जो बाकी बचा था वो दोनों को छोड़कर वो आगे ही चला जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा था बाकी वाला देखते हैं मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कैसे प्यास लगी है। तो जब तीसरा भाई रास्ते में से चल रहा था तो उसको एक नारियल का पेड़ मिलता है। वो नारियल के पेड़ के नीचे रह जाता है और वो सोचने लगता है कि कैसे प्यास लगी। तो एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद किया और इसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाल। तो तीसरा भाई जो नारियल के पेड़ के नीचे वो नारियल के पेड़ के पास जाता है और वो अपना चाकू निकालता है। खर खर कर इसकी जटाएं निकाल देता है और उसके बाद उसका भी ठंडा पानी वो पीने लगता है। तीसरा भाई उसी छाल में बैठ गया और सोचने लगा। अब तीसरा भाई वो क्या करता है कि वो उसी की छाल में बैठ कर कुछ सोचने लगता है। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो वो नारियल का पेड़ जो था उसके नीचे बैठकर ऐसे सोचने लगता है कि आम का पेड़ तो अच्छा होता है, बड़ा होता है, इसका फल भी अच्छा होता है। इस तरह केले का पेड़ वो भी तो काम का है और केले खाने में भी अच्छे होते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दांत भी बड़ी अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं इसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाय भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबर का पेड़ होगा तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो मैं इस तरह सोचता ही रहता है कि आम का पेड़ भी अच्छा है, केले का पेड़ भी अच्छा है और नीम का पेड़ भी सबसे अच्छा है। अगर भी मेरे पास नीम का पेड़ होता तो उसकी अच्छी दातुन रहती है और नीम के पेड़ में तो बहुत सारी दवाइयाँ कुछ भी बन सकता है। और जो जब भी कोई लोग बीमार होता है तो उसकी टहनियाँ को हम दरवाजे पर लटका देते हैं तो बीमारी भी गायब हो जाती है। और उसकी टहनियाँ को हम बेच सकते हैं, उससे पैसे भी हमें मिलते हैं और नीम का पेड़ हमें ठंडी चाय भी देता है। इस तरह से नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है। तो वो सोचता है कि रबर का पेड़ भी तो अच्छा होता है। अगर तो वो क्या करता है कि चाकू लेता है, चाकू निकाल कर वो क्या करता है, रबर का जो पेड़ होता है उसके छाल में थोड़ा छेद चीरा कर देता है और उस चीरे के गले में वो प्यारा रख देता है। ऐसे ही जो हम रबर का यूज करते हैं, जो इरेजर यूज करते हैं, जो बड़े बड़े गम्स यूज करते हैं, टायर होते हैं रबर के बने, तो ये रबर कैसे बनते हैं, इसकी जो रबर का पेड़ होता है फ्रीज होता है। और इस वजह से होता है कि जो रबर का फ्रीज होता है उसकी जो फ्रीज में एक लंबा चीरा छेद किया जाता है और वो जो छेद होता है छेद के नीचे एक प्याला रखा जाता है और उसमें से जो रबर का जो दूध होता है जो गम होता है धीरे धीरे प्याले में गिरता है। इस तरह से सभी इसका गम जो होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको किसी आग पर तपाया जाता है और उसको किसी कोई भी बर्तन में उसको पलट कर निकाल इस तरह से उसके स्वयं जैसे आकार बनाया जाता है और उसमें से कोई भी अच्छी चीज़ें बन सकती है। इस तरह से वो रबर के पेड़ में से रबर निकलता है। पेड़ की दुधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। इस तरह वो सोचता है। अच्छे पेड़ की क्या कमी, नारियल के पेड़ की सोचो। नारियल की छटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। तो ऐसे सोचने लगता है कि अच्छे पेड़ की कोई कमी तो नहीं। ऐसा नहीं कि बाग का पेड़ ही अच्छा है, केले का पेड़ ही अच्छा है, नीम का रबर का पेड़ भी अच्छा है, ऐसा तो नहीं। नारियल का पेड़ भी तो अच्छा है। क्यों ऐसे सोचता है, किस तरह से अच्छा होता है? तो वो सोचता है कि नारियल की जो जटा होती है उसको काट कर उसमें से मैं डोरी बना सकता हूँ और डोरी से मैं मतलब चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। जब हमारे दरवाजे पर हम चटाइयाँ रखती तो वे इस तरह से बनी हुई होती है। रस्सी और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोखरा
सकता हूँ, इस तरह से वो सोचने लगता है। और उसके उसकी घुटने का जो तेल होता है इसमें से तेल बनता है, उसमें से अच्छे अच्छे साबुन बनते हैं, दवाइयाँ भी बनती है, सौंदर्य क्रीम भी बनती है, इस तरह से वो सोचने लगता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। और इसका जो छिलका होता है उसमें से कि हम प्याले और कटोरे भी बना सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मुझे इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इस तरह से वो नारियल के पेड़ के बारे में ऐसे ऐसे सोचता रहता है। वो सोचता है कि नारियल का पेड़ भी ठीक तो है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए तो ये पेड़ सबसे अच्छा है। और वो ऐसा सोचकर उसके नीचे अपना घर बना लेता है। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। और वो क्या करते हैं, जो नारियल का जो तीसरा भाई था वो नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना लेता है, वहाँ पर भी रहने लगता है। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। तो हमारी लाइफ में जो जितने भी पेड़ होते हैं वो सभी पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।